दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप में कोई फोटो या फिर वीडियो पड़ा हुआ है और आप उस फोटो या फिर वीडियो को जो है अपने फोन में भेजना चाहते हैं, तो आप ये कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अपने लैपटॉप से कोई फोटो या फिर वीडियो फोन में भेजने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक डाटा केबल ले लेना है और इसको अपने फोन और लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप डाटा केबल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके अपने फोन में लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे अपने फोन में इस टाइप से कुछ एक पॉपअप दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ट्रांसफर फोटोज का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। और ट्रांसफर फोटोज पे जब आप क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने लैपटॉप पे देखना है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको दिस पीसी वाला एक आइकन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करके ओपन कर लीजिए। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका फोन दिखने लगेगा इस टाइप से, जो भी होगा। तो अब आपको अपने फोन में फोटो भेजने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको जो फोटो भेजनी है वो कहाँ पे पड़ी है। तो जहाँ पे भी पड़ी हो तो आप वो ओपन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हम ये डिस्क ओपन कर लेते हैं डी, और यहाँ पे मान लेते हैं ये फोटो पड़ी है। इसी टाइप से आप वीडियो भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये फोटो पड़ी है, हमको ये अपने फोन में भेजनी है। तो अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे सिंपली आपको राइट क्लिक करना है इस पे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसको जो है कॉपी कर लेना है। आप कंट्रोल सी प्रेस करके भी कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको साइड में दिखेगा दिस पीसी का ऑप्शन, आप इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके डिवाइस का नेम ये जो है दिख रहा होगा यहाँ पे, आप इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद जिस भी फोल्डर में आपको वो फोटो डालनी है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको इस फोल्डर में डालनी है, और यहाँ पे भी हमको मान लेते हैं कि हमको किसी फोल्डर के अंदर डालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये फोटो फोल्डर एक ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आपको जिस भी फोल्डर में डालनी हो आप वो ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, वो इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आ चुकी है मेरे फोन में। और इसी टाइप से आप कोई वीडियो भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने फोन में। तो इस टाइप से आप अपने फोन में अपने लैपटॉप से कोई भी फोटो या फिर वीडियो डाल सकते हैं। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को प्रेस, ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।